हाँ चलो चलो। तो आज की वीडियो में कहा कि काफी काफी कुछ लोग आप लोग बोल रहे थे कि केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल नहीं है, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलो केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल भी हम देख लेते हैं जल्दी से ही। तो हाँ, इसका यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग भी जाएगा इसका, तो उसकी चिंता मत करो, यूट्यूब पर इसका रिकॉर्ड वर्जन ही जाएगा। ठीक है चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से ही लेकर के स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात ख्याल रखना, कॉपी लेकर बैठना होगा। ठीक है, कॉपी और पेन लेकर बैठे होगा तभी समझोगे, नहीं तो कोई फायदा है ही नहीं बैठने से। अभी जाओ घरे जाकर चादर तान और सुन जाओ, कॉपी पेन ले ले हो तो जब एक पढ़ो। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, यूट्यूब पर चल गया होगा लाइव, एक आदमी है पता नहीं कौन है। हाँ चलो रिकॉर्डेड में देखते हैं, नहीं होगा रिकॉर्ड में देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आ जाते हैं। ठीक है चलो, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुमको क्या कह रहा है कि 5 ग्राम कैल्शियम के कितना मोल है। ठीक है चलो, तो 5 ग्राम कैल्शियम का कितना मोल है, तो इतना जानते हो बाबू कि एक मोल इस सब बराबर जो चीज है वो क्या होता है। ठीक है, तो एक मोल मतलब क्या होता है, एक मोल मतलब क्या होता है, एक पार्ट हो जाता है। ठीक है, एक मोल कह रहे हैं यानी हम एक मोल कैल्शियम कह रहे हैं, यानी पता क्या है, क्योंकि हमें पूरा कैल्शियम का कह रहे हैं, कैल्शियम का एक पार्ट कितना होता है, एक यूनिट कितना। तो तुम जानते हो कि एक यूनिट कैल्शियम का यानी वन पार्ट कैल्शियम का क्या होता है, उसको यदि हम एटॉमिक मास यूनिट में चेंज करें तो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है, 40 होता है। ठीक है, तो उसे आप ग्राम में कह सकते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम का जो क्या होता है इसका 40 ग्राम हो गया। ठीक है, तभी तुमको यहाँ पर ग्राम में पूछ रहा था, 5 ग्राम कैल्शियम दे रहा है। ठीक है, तो यानी एक मोल बराबर कितना ग्राम हो जाएगा, यहाँ पर 40 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, एक मोल बराबर कितना ग्राम हो गया बाबू, 40 ग्राम कैल्शियम का। तो तुमसे पूछ रहा था ना, इसको उल्टा भी तो कह सकते हो कि 40 ग्राम बराबर कितना मोल, एक मोल ना, तो 1 ग्राम बराबर कितना मोल, 1/40 मोल ना, यहाँ पर तुमको कितना दे दिया, 5 ग्राम ना, तो 5 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 1/40 और गुना 5 ना, 5 × 40 यानी 1/8, 8 से 1 में भागा तो देखो तो कितना होगा, 0.125 मोल। ठीक है, इसका क्या होगा, 0.125 मोल। ठीक है चलो, तब यदि तुमको यहाँ पर यदि 5 kg भी दे देता, यदि पूछता कि 5 kg कैल्शियम में कितना मोल, तब क्या हो जाता। ठीक है, यदि तुमको दे दे कि 5 kg कैल्शियम में कितना मोल, तो उसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट लग जाता, 5 kg कैल्शियम में भी इतना ही होता, 0.125 मोल हो जाएगा। ठीक है चलो, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, एक मोल बराबर क्या हो जाएगा, उसमें 40 kg हो जाएगा। ठीक है चलो नेक्स्ट आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में मोलों की संख्या ज्ञात करो, 128 ग्राम किसमें, ऑक्सीजन में ना, तो ऑक्सीजन में। ठीक है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन के एक मोल का ग्राम कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। ठीक है, यानी हम क्या लिख सकते हैं, 16 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 1 मोल। ठीक है, तो 1 ग्राम बराबर कितना, 1/16 ना, यहाँ 128 दे दिया है, तो क्या हो जाएगा, 1/16 × 128, तो 16 × 28 से यानी क्या हो जाएगा, 8 मोल। ठीक है चलो, सेकंड का ही बी तुमको दे दिया, सेकंड का बी में क्या दे दिया, 68 ग्राम अमोनिया दे दिया है तुमको, 68 ग्राम क्या दे दिया, अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया का फॉर्मूला जानते हो बाबू, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। ठीक है, तो NH3 का टोटल मास क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन 3 है, तो 3 × 1 यानी टोटल क्या हो जाएगा, 17 ग्राम मास हो जाएगा। ठीक है चलो, तो एक मोल बराबर कितना मास हो जाएगा, 17 ग्राम हो जाएगा तुमको। तो यहाँ पर हम उल्टा भी लिख सकते हो कि 17 ग्राम बराबर कितना, 1 मोल ना, तो 1 ग्राम बराबर 1/17, 68 बराबर क्या हो जाएगा, 1/17 × 68 यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 मोल हो गया। ठीक है चलो, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड तुमको क्या कह रहा है कि 0.5 मोल हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, कितना में, 0.5 मोल में। तो तुम जानते हो कि 1 मोल में, 1 मोल हाइड्रोजन में कितना अणु होता है, 6.022 × 10³³ होता है। ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन में, 1 मोल में कितना होता है, 6.022 × 10³। तो 0.5 मोल ना, यानी क्या हो जाएगा, आधा कह रहा है, तो आधा से भाग दे दोगे, 0.22 × 10³² ठीक है चल, तो 2/2 कैसे कर लेंगे, तो देख लो, 0.5 मोल ना कह रहा है। ठीक है, तो 0.5 मोल यानी क्या हो जाएगा, डेसिमल हटाओगे तो 5/10 यानी क्या हो जाएगा, 1/2 मोल ना, तो 1 मोल में इतना ना, तो 1/2 में कितना, इतना, तो दूसरे भाग दे तो क्या हो जाएगा, 3.01 × 10³³ हो जाएगा। ठीक है चलो नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर फोर क्या तुमको कह रहा है कि 3 मोल नाइट्रोजन परमाणु को ग्राम में द्रव्यमान क्या होगा, किसमें पूछ रहा है, ग्राम में ना, तो 3 मोल नाइट्रोजन परमाणु का क्या पूछ रहा है कि ग्राम में द्रव्यमान क्या होगा। तो 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, हाइड्रोजन के 10^14 कितना परमाणु, परमाणु का हमने क्या करेगा, सिर्फ हाइड्रोजन का होगा, एक होगा ना, अब जानते होगा कि तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या होता है परमाणु और यौगिक का सूक्ष्मतम है अणु, यानी हमें सिर्फ यहाँ पर क्या लेना है, सिर्फ एक हाइड्रोजन लेना है ठीक है। चल तो हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन में टोटल कितना परमाणु हो जाएगा, तो हाइड्रोजन में टोटल कितना परमाणु हो जाएगा बाबू, 6.022 × 10^23 परमाणु हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, हाइड्रोजन में ठीक है। चलो तो हाइड्रोजन में जब इतना परमाणु होगा, तुमसे क्या कह रहा है कि 12×10^14 परमाणु में कितना क्या है, मतलब किसका द्रव्यमान कितना होगा वो हमें निकालना है। तो तुम जानते हो ना बाबू कि 6.022 × 10^23 परमाणु में कितना ग्राम, 1 ग्राम हाइड्रोजन होता है ठीक है। हाइड्रोजन का मास कितना हो जाता है, एक ही ना होता है। चलो एक हो गया, अब आ गया तो तुमको क्या कह रहा है कि इतना परमाणु ना, तो 1 परमाणु में इसका मास कितना हो जाएगा, 1/0.22 × 10^23 हो जाएगा, 1 परमाणु का मास कितना हो जाएगा ना, तुमको कितना दे रहा है, 12×10^14 ना, यानी 12×10^14 इसमें गुना हो जाएगा, तो 12×10^14 ठीक है। चलो तो 6 से 12 लगभग 2 बार में काट जाएगा कि नहीं, 2 काट जाएगा, और 10^14 10^23 ना, तदि जानते हो कि पावर क्या होता है, भागा में हो तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, यहाँ 10^14 यहाँ 10^23 है, तो 14 − 23 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 10^-9 क्या पूछ रहा था, ग्राम ना पूछ रहा था, हाँ तो ग्राम लगभग क्या हो जाएगा, 2×10^-9 ठीक है। चलो नेक्स्ट आता क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, चलो आज क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6 तुमको क्या कह रहा है कि Fe2O3 में तुमको Fe का कितना प्रतिशत है ठीक है। Fe2O3 में तुमसे क्या पूछ रहा है कि Fe का कितना प्रतिशत है ठीक है। चलो तो इसके लिए तुम जान जाओ कि Fe2, यानी तुमसे पूछ दे कि, यानी इसमें सबसे पहले हम क्या करें, इसको हम प्रोसेस पाए जाते हैं कि कैसे हम इसको निकालें ठीक है। इसके लिए मैं तुमको क्वेश्चन दे रही कि Fe2O3 में Fe का कितना प्रतिशत, इसका तो हम मात्रा निकालना पड़ेगा ना कि टोटल इसका मात्रा कितना है, यानी इसका टोटल एटॉमिक मास यूनिट इसका कितना है ठीक है। चलो तो Fe का कितना हो जाता है बाबू, Fe का 56 हो जाता है, तो 2 Fe है, यानी क्या हो जाएगा, 2×56, और ऑक्सीजन का 16 × 3, यानी 56 दूनी क्या हो जाएगा, 112, 16 × 3 क्या हो जाएगा, 48, यानी क्या हो जाएगा, टोटल 160 आ रहा है ठीक है। यानी टोटल मात्रा कितना है इसमें, 160 है ठीक है, 160 ग्राम ही रहने दो, 160 ग्राम, इसमें से तुमको पूछ रहा है कि Fe का मात्रा कितना है ठीक है। चलो तो Fe टोटल कितना है बाबू, वो Fe टोटल कितना है, 112 है ना, Fe टोटल कितना है, 112 है, कितना में से 112 है, 160 में से, तो प्रतिशत निकाल लो, 0 से 0 कट गया, ये 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4, 4 से इसको काटो कितना मरतबे कटता है, ये 4 से कितना मरतबे कट जाएगा, यहां से देखो 4 से कितना मरतबे कट जाएगा, यदि इसको 4 से काटना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8 ना, 8 और 3 और 3 और 2 आने, तो 4 × 8 = 32, 28 हो गया ना, तो 28 × 2 यहां पर क्या आ जा रहा है, 16 + 2 = 8 तो लग रहा है कैलकुलेशन यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर फिर से हम पुट कर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 112/160, 56 × 2 तो क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा ठीक है, 112/160 गुना क्या हो जाएगा, 100 ना, 100 हो जाएगा ठीक है। चलो ये तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 था ना, तो क्या हो जाएगा,
पांच हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आठ हो जाएगा। आठ से कितना मरतबे कट जाएगा, आठ से उसको काट दो तो आठ एकम आठ ना, चार और दो तीन, दो आठ सौ का 32 यानी 14 बजे 70%। ठीक है, यही यहाँ पर गलत लिख रहा है ना। चलो तो 70%। अब इसी में इसका बी क्या कह रहा है, इसका बी तुमको दे दिया क्वेश्चन में, H2N CO NH2 में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत मात्रा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका यूनिट निकाल लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 1 × 2 और नाइट्रोजन का क्या होता है 14 ना, कार्बन का क्या होता है 12, ऑक्सीजन का क्या होता है 16, नाइट्रोजन का क्या होता है 14, हाइड्रोजन का क्या होता है 1 × 2, सबको जोड़ दो तो 2 + 14 + 12 + 16 + 14 + 2 जोड़ दो तो 14 × 2 = 16, 16 × 12 = 28, 28 × 16 क्या हो जाएगा 28 + 10 = 38, 6 = 44, 44 क्या हो जाएगा 58 × 2 क्या हो जाएगा 60, यानी टोटल इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 60। 60 में तुमसे किसका पूछ रहा है, सिर्फ नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन देखो के गो है, एक एक दो गो ना, तो 14 × 2 = 28 हो ना, तो 60 में से कितना है नाइट्रोजन 28 है ना, तो प्रतिशत निकाल दो, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 3 हो जाएगा या 5 हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ से क्या देखो, इसको काट दो लगभग 3 × 9 = 27 ना, फिर 1 का 0 3 × 3 = 9 यानी 9.3, 9.3 में लगभग कर दोगे तो क्या देखो 9 × 5 = 45 और 5 × 3 = 15 यानी लगभग 46.5%। ठीक है, लगभग। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 तक डन ना है, तो क्वेश्चन नंबर आ जाता है 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि कार्बन परमाणु के एक मोल का द्रव्यमान कितना है, 12 है, तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान, तो कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान कितना है 12 ग्राम है ना, तो कार्बन के एक मोल में कितना परमाणु रहता है, 6.00 × इतना में क्या रहता है, एक मोल में कितना परमाणु रहता है 6.022 × 10³ ना, तो एक मोल में 12 ग्राम यानी 6.022 × 10³ में भी क्या हो जाएगा 12 ग्राम, एक परमाणु में से ना तुमको पूछ रहा है, तो 12 × 6.022 × 10³ ना, तो 6 से 2 मरतबे कट गया और ये 23 सीधे कहाँ चला जाएगा ऊपर ना, तो 2 × क्या हो जाएगा 10⁻²। ठीक है, चलो एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा लगभग 2 × 10³⁻³। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने देख लेते ना बाबू, देख लेते, चलिए आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 तुमको क्या कर रहा है, 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निर्धारित करें। ठीक है, आपको कितना में कह रहा है, 1.4 ग्राम किस में आओ, नाइट्रोजन में, किसका संख्या निर्धारित करना है, इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर जानते हो कि हम एक अधिक नाइट्रोजन लेना चाहें, यदि एक मोल नाइट्रोजन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक मोल में 7 होते हैं। ठीक है, एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आप जानते होंगे कि केमिस्ट्री में यदि किसी का संख्या निकालना है तो यदि एक का चर्चा करें तो एक में कितना हो जाता है 6.022 × 10⁻², ना यहाँ पर 7 गो इलेक्ट्रॉन है तो 7 में कितना हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाएगा टोटल संख्या, 7 इलेक्ट्रॉन में 7 × 6.022 × 10³⁷ संख्या। ठीक है, तो एक मोल नाइट्रोजन का आया है, यानी एक नाइट्रोजन है, यानी एक मोल नाइट्रोजन कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, या तो एक नाइट्रोजन में कहीं इतना संख्या इलेक्ट्रॉन का, नहीं तो हम कह सकते हैं एक मोल नाइट्रोजन। अब हमें क्या दे दिया है, 1.4 ग्राम में हमें निकालना है 14। ठीक है, तो आप जानते हो कि एक मोल नाइट्रोजन यानी 14 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, एक मोल नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, 14 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, एक मोल नाइट्रोजन हो जाएगा, तो 1 ग्राम और कितना हो जाएगा 1/14, तो इसलिए 1.4 ग्राम और कितना हो जाएगा 1/14 × 1.4, डेसिमल हटेगा नीचे 10 और 14 = 0.1 मोल आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, तो 1.4 ग्राम में कितना 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 मोल आ गया 0.1 मोल, और हमें क्या पता है कि एक मोल में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 7 × 6.022 × 10³³ ना,
ठीक है, तो हम 0.1 मोल में निकाल लेते हैं। 0.1 मोल में कितना हो जाएगा, 0.1 गुना ना, यहाँ पर आ जाओ, हम गुना कर देते हैं, यानी क्या हो जाएगा, 7 गुना 6.022 गुना 10 के पावर 23 गुना क्या हो गया, 0.1 ना, 0.1 डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 हो गया। 7 गुना 6 क्या हो जाएगा, 42 ना, तो लगभग 42 हो गया, 10 के पावर 3, लगभग 42 गुना 10 के पावर 23 हो जाएगा इसका। ठीक है चलो, जिसको एक और यदि क्या कहते हैं पावर में एक्स्ट्रा लिखना चाहे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4.2 गुना 10 के पावर 23। ठीक है, तो ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है चलो, उम्मीद करता हूँ कि समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 तुमको क्या कर रहा है बाबू, 0.2 मोल, ठीक है, 0.2 मोल H2O का द्रव्यमान किस में ज्ञात करना है हमें, ग्राम में द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 0.2 मोल ना कर रहा है, तो तुम जानते हो कि 1 मोल बराबर कितना हो, 1 मोल H2O का कितना ग्राम हो जाएगा, H2 ना, तो इसका आणविक द्रव्यमान निकालो तो क्या हो जाएगा, 1 गुना 2+16 यानी क्या हो जाएगा, 18 ग्राम। ठीक है चलो, तो 1 मोल में कितना ग्राम हो रहा है बाबू, 18 ग्राम ना, यानी 1 मोल H2O बराबर कितना आ रहा है, 18 ग्राम। तो तुमको क्या निकालना है, 0.2 मोल में ना, तो 0.2 मोल बराबर क्या हो जाएगा, 18 गुना 0.2 ना, डेसिमल हट जाएगा तो नीचे 10, यानी 18 गुना 36/10 यानी 3.6 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3.6 ग्राम। ठीक, किस फोन नंबर हम क्वेश्चन सोल्व किए बाबू, क्वेश्चन नंबर 9। आवाज़ है क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 तुमको क्या कर रहा है बाबू, कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में, ठीक है, 10 ग्राम किस में, कैल्शियम कार्बोनेट में कितने मोल होंगे। ठीक है चलो, तो 10 ग्राम ना कह रहा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का पहले हम टोटल मास निकाल लेते हैं, तो कैल्शियम का 40 ना, कार्बन का 16 सॉरी कार्बन का 12 और ऑक्सीजन 3 गुना, तो 3 गुना 16, ऑक्सीजन का जानते हैं एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो 40 12 क्या हो जाएगा, 52 और 16 3 क्या हो जाएगा, 48 यानी क्या हो जाएगा 100। सौ हो गया चलो, 100 महीने का निकल हमको नजर आएगा हिस्ट्री से। ठीक है तो चलो, तो 100 ग्राम में आनी जानते हो तुम, यानी 100 ग्राम CaCO3 बराबर, यानी 100 ग्राम CaCO3 बराबर कितना मोल हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। ठीक है जानते हो ना, तो 1 ग्राम बराबर कितना मोल हो जाएगा, 1/100 ना, तुमको कितना मोल निकालना है, 10 ग्राम है ना, 10 बराबर क्या हो जाएगा, 1/100 × 10 यानी 10/100 यानी कितना मोल आ जाएगा, 0.1 मोल आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जानते हो कि 1 मोल कोई भी चीज होगा वो क्या होगा, 1 मोल ही होगा। ठीक है, यानी 1 मोल कोई चीज कर रहे हैं तो 1 मोल इसका कितना आ रहा है, टोटल इसका आणविक मास ही हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, 100 ग्राम इसका आ रहा है, तो 100 ग्राम। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 तुमका क्या कर रहा है बाबू, 9.8 ग्राम, ठीक है, 9.8 ग्राम किसमें, H2SO4 में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम इसका पहले सबसे पहले मोल निकालते हैं कि 9.8 ग्राम में कितना मोल होगा, उसके बाद हम प्रोसेस करेंगे। तो H2SO4 के मोल ना, तो 1 गुना 2+ सल्फर है तो 32 और 4 गुना 64 यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, 2+32+16 ना, 16 चौका 64 यानी क्या हो जाएगा, 98। ठीक है, यानी अगेन यहाँ पर क्या है, 98 ग्राम वाला कितना हो जाएगा, 1 मोल H2SO4। ठीक है, इसलिए 1 ग्राम वाला क्या हो जाएगा, 1/98, तुमको कितना में निकालना है, 9.8 ग्राम है ना, क्या हो जाएगा, 1/98 × 9.8 डेसिमल हटेगा नीचे 10, 98 से 98 खत्म, यानी 0.1 मोल। ठीक है, यानी तुमको 0.1 मोल H2SO4 ने दे दिया है, 0.1 मोल H2SO4। अब तुम्हें क्या निकालना है, 0.1 मोल H2SO4 में तुमको क्या निकालना है, 0.1 मोल H2SO4 में क्या निकालना है, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का क्या है, परमाणु 2 है, यहाँ पर क्या है,
एक है ना, यहाँ पर क्या है, चार है, ठीक है। चलो, तो तुम जानते हो कि एक मोल हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या कितना हो जाएगा, 6.022 गुना 10^23 हो जाएगा ना, एक मोल हाइड्रोजन का परमाणु। यहाँ पर क्या है, दो गुना है, तो दो गुना कर लो पहले, यानी क्या हो जाएगा, तो दो 6.022 गुना 10^23, यानी दो हाइड्रोजन में कितना परमाणु हो जाएगा, इतना हो जाएगा। पर तुमको कितना निकालना, दो मोल पूरा नहीं, पूरा मोल तुमको पास कितना, सिर्फ 0.1 ना, तो 0.1 से भी गुना कर दो, ठीक है। तो 6 × 12 यानी डेसिमल हट जाएगा, तो नीचे 10 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 12.044 और 10^22 हो जाएगा, ठीक है। चलो, क्या गया, 12.044 गुना 10^22 ना, यदि डेसिमल भी इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, 1.44 गुना 10^23, ठीक है। तुमको कितना में निकालना था, 0.1 मोल में ना, तुमको जानते हो बाबू कि H2S पर यहाँ पर दो को H है ना, तो दो हाइड्रोजन का टोटल कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और तुमको दो मोल कहता है, ठीक है, तो दो मोल कहता है, तो यहीं पर आंसर होता है, मोल तुम्हारे पास कितना है, सिर्फ 0.1 ही है ना, तो 0.1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमने एस एच का निकाला है ना, अभी हम एस का निकालना है, तो एस का भी निकाल लिया, 0.1 मोल H2SO4, ठीक है। अब आ जाओ एस का निकालो, तो एस एस यहाँ पर एक ही है ना, तो एक है, तो सिंपली हम लिख देते हैं 0.022 गुना 10^23, और एस का कितना मोल है, 0.1 ही मोल है, तो 0.1 डेसिमल हटेगा नीचे 10 ना, यानी सिंपली हो जाएगा 6.022 गुना 10^22 हो जाएगा, ठीक है। चलो, एक इसका क्या सल्फर, अब हमें क्या चाहिए, एक ऑक्सीजन का नमा के, तो ऑक्सीजन का भी निकाल लेते, तो हम ऑक्सीजन का इधर ही निकाल लेते, कलर से चेंज कर लेते। तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा बाबू, ऑक्सीजन चार गुना है, तो 4 × 6.022 गुना 10^23 ना, अब मोल कितना है, मोल तो 0.1 ही है ना, तो 0.1 डेसिमल हटेगा 10 आ जाएगा। यहाँ पर 6 × 24 हो गया, तो 24.022 × 88 यानी 24.088 गुना 10^ यह भी क्या हो जाएगा, 22। जिसको लिखना चाहो तो 2.4088 गुना 10^23, ठीक है। चल, ठीक है। चल, 24.08 गुना 10^22 या तो 2.4088 गुना 10^23। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 11 तक सॉल्व हो गया ना, 12 12 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, कि कैल्शियम ऑक्साइड के 5.6 ग्राम में कैल्शियम आयनों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड के कितना में बाबू, 5.6 ग्राम में ना, 5.6 ग्राम, तो पहले तो मोल की संख्या निकालना है सिंपली। तो कैल्शियम का कितना होता है, 40 ना, और ऑक्सीजन का 16, 40 और 16 क्या हो गया, 56। तो तुम जानते हो कि 56 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, एक मोल सी ओ ना, तो 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 1/56, तो 5.6 ग्राम और क्या हो जाएगा, 1/56 गुना 5.6 ना, डेसिमल हट जाएगा, तो यानी 0.1 मोल आ गया, ठीक है। चलो, तो CaO कितना आ गया, 0.1 मोल, 5.6 ग्राम में कितना मोल आ गया, 0.1 मोल। अब तुम्हें क्या पता है कि एक मोल CaO में आयन की संख्या क्या हो जाएगी, एक मोल CaO में कितना आयन हो जाएगा, 6.022 गुना 10^23 ना, तुमको मोल कितना है, 0.1 ही है ना, 0.1 से गुना करने डेसिमल हटेगा तो 10 ना, यानी एक्चुअल में तुम्हारा वैल्यू कितना आ जाएगा, टोटल 6.022 गुना 10^22, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है बाबू, अमोनिया में विद्यमान तत्वों की प्रतिशत रचना क्या है, ठीक है। तो अमोनिया यानी NH3 में N कितना प्रतिशत है, H कितना प्रतिशत, यही हमें निकालना है, ठीक है। तो पहले तो इसका हम टोटल मास निकाल लेते हैं, तो N क्या हो जाएगा, 14 + 1 × 3 यानी क्या हो जाएगा, 17, ठीक है। चलो, तो हमें क्या निकालना है, N का ना, तो N की कितना एटॉमिक मास होता है, 14 ना बाबू, 14 है, कितना में 14 है, 17 में ना है, 14/17 गुना 100, काट दो, यदि कटता है तो क्या हो जाएगा, 17 /
85 ना, 15 और 0 यानी क्या हो जाएगा, 15 0 17 53 से ना लगभग 5.9 हो जाएगा, तो 14 6 84 यानी लगभग क्या हो जाएगा यार, 83% ये लगभग आ जाएगा। ठीक है, 83% लगभग, एक्चुअल में आप कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं, लगभग मैंने लिख दिया क्या हो गया 83% क्या हो गया, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन कर रहा है तो हाइड्रोजन 3 गुना है, तो 3 गुना मिलकर के कितना पैदा कर रहा है, 3 ग्राम कितना में, 3 ग्राम में 17 में ना, तो 3/17 गुना 100 अगेन 17 से यानी 17 5 50 से लगभग क्या हो जाएगा 5.9 गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा 15 9 27 यानी 17.7 के लगभग, लगभग क्या हो जाएगा 17.7% का हो गया हाइड्रोजन, 83% का हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 14 के, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के एक नमून में के 2 ग्राम है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड तुम्हारे पास कितना है 2 ग्राम है, ठीक है, जिसमें क्या है 0.785 ग्राम क्या है सोडियम है, और क्लोरीन तुमको कितना है 1.775 ग्राम क्या है क्लोरीन है, ठीक है। चलो, और एक दूसरे नमूने में, एक तो हो गया ये फर्स्ट नमूना, एक कर रहा है अभी सेकंड नमूना में क्या कर रहा है, 2.925 ग्राम में ये भी क्या है NaCl है, जिसमें तुमको क्या दे दिया है 1.15 ग्राम क्या है सोडियम है, और 1.775 ग्राम इसमें भी क्या है क्लोरीन है। तो पूछ रहा है कि बताएं कि ये आखिर स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं या ठीक है। चल, तो स्थिर अनुपात के नियम का पालन का मतलब क्या है कि जितना भाग Na होना चाहिए उतना ही भाग क्या होना चाहिए Cl, यहाँ पर क्या है Na का एक भाग है ना, ठीक है, और क्लोरीन का भी क्या है एक भाग है, ठीक है, तो दोनों मिलकर के क्या बना रहा है NaCl बना रहा है, नहीं 2 ग्राम। यहाँ पर देखो तो दोनों को हम ऐड करने पर क्या 2 आ रहा है, दोनों को ऐड कर दो तो 5 और 5 यानी दोनों को ऐड कर दो यानी 0.785 प्लस 1.775 ऐड करके देखो 5 5 0 हो गया ना, 8 और 7 15 ना, 15 1 16 हो गया, ठीक है, यानी 0 तो नहीं ना आ रहा है इसमें, अब इसमें 0 तो आ ना रहा है, ठीक है, इसमें तो 0 आ नहीं रहा है, 0 कर रहे हैं मतलब 2 ग्राम तो आ ना रहा है, ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा यह स्थिर अनुपात के नियम का पालन क्या कर रहा है या नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाओ, 100 AMU, AMU मतलब क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट, हीलियम में परमाणु की संख्या कितना होगा, ठीक है, 100 AMU हीलियम में क्या होगा पूछ रहा है, परमाणु की संख्या कितनी होगा ये तुमसे पूछ रहा है, तो 100 एटॉमिक मास यूनिट ने दे दिया है हीलियम का बाबू, जानते हैं कि एक हीलियम कितने ग्राम के बराबर होता है, 4 ग्राम के बराबर होता है, यानी 4 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है, ठीक है, तो 100 में टोटल हीलियम की संख्या क्या आ जाएगी, तो 4 एक हीलियम में 4 ना, ठीक है, यानी ये भी तो लिख सकते हो कि 4 AMU बराबर क्या एक हीलियम ना, इसलिए यहाँ पर 1 AMU बराबर कितना हो जाएगा 1/4, तो इसमें 100 AMU बराबर क्या हो जाएगा 1/4 × 100 यानी क्या हो जाएगा 25 गो हीलियम आ गया, ठीक है, कितना आ गया तुम्हारे पास 25 हीलियम आ गया। अब चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है तुमको कि 6.35 ग्राम, ठीक है, 6.35 ग्राम शुद्ध कॉपर धातु में, ठीक है, कॉपर के परमाणु की संख्या कितनी होगी, ठीक है, 6.35 ग्राम कॉपर धातु में क्या कर रहा है कॉपर के परमाणु की संख्या जो होगी कितनी होगी, ठीक है। चलो, तो 6.35 ग्राम कॉपर है बाबू, ठीक है, तो तुम कॉपर के जानते हो कि कॉपर के कितना होता है 1 मोल में कॉपर कितना ग्राम होता है, यानी 1 मोल कॉपर बराबर कितना होता है 63.5 ग्राम होता है, ठीक है, 1 मोल कॉपर बराबर कितना ग्राम हो जाता है 63.5 ग्राम, तुमको कितना में निकालना है 6.3 ग्राम है ना, यानी इसको उल्टा में लिख सकते हो क्या 63.5 ग्राम कॉपर बराबर कितना मोल 1 मोल, ठीक है, तो इसमें 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 1/63.5 ना, इसमें 6.35 ग्राम में क्या हो जाएगा 1/63.5 ×
6.35 पाँच ना, यहाँ डेसिमल हटेगा तो क्या हो जाएगा 100 ना, यहाँ डेसिमल हटेगा तो क्या हो जाएगा 10, जीरो खत्म, यानी 1/10 यानी 0.1 मोल आ गया। ठीक है, क्या आ गया तुमको 0.1। तो एक मोल में, एक मोल कॉपर में कितना परमाणु होता है, 6.022 × 10^23 परमाणु होता है, तो इसने 0.1 मोल में कितना हो जाएगा, 6.022 × 10^23 × 0.1 ना, तो डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 6.022 × 10^22 परमाणु। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ इस समझ में आ गया। आखिरी क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या करेगा, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। ग्लूकोज का क्या करना है, आणविक द्रव्यमान, ग्लूकोज का फॉर्मूला का C6H12O6, तो कार्बन 6 है ना, कार्बन का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन 12 है ना, इसका मास कितना होता है, ऑक्सीजन 6 का है, इसका मास कितना होता है 16, तो 12 × 72 + 12 = 96 ना, तो 6 × 2 = 8 = 10 हो गया। ठीक है, और 9 × 1 = 10 × 1 = 17 × 1 = 18 यानी 180 AMU। ठीक है, तो लगभग क्या हो जाएगा 180 AMU एटॉमिक मास। ठीक है, चलो तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया बाबू, चलो।